गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। क्वेश्चन क्या है? ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या इलोंगेशन इन ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया अंडर सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 1.5 न्यूटन और 4 न्यूटन। ये पुल मीन्स क्या है? फोर्स है। लाइक एक वायर है, स्टील वायर है, एक स्टील वायर है आपका, समझ रहे? इसको कितने से फोर्स लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं इसको 1.5 इंटू 10^4 न्यूटन से, यही आपका फोर्स हो गया। इसका लेंथ कितना है? लेंथ आपका है 1 मीटर, 1 मीटर, समझिए लेंथ है 1 मीटर है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन का हम चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? एफ बाय ए डेल्टा एल बाय डेल्टा एल बाय एल, इसी को बोलते एफ इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल। यंग्स मॉडुलस हो गया एफ एल ए डेल्टा एल। हमें क्या निकालना है? डेल्टा एल निकालना है, ये निकालना है ना डेल्टा एल। तो हमें डेल्टा एल क्या हो जाएगा? डेल्टा एल इधर इधर करें, इसको इधर लें और वाई को, तो डेल्टा वाई ही ना आपका, वाई बराबर एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल इधर ले आप, डेल्टा एल बराबर क्या? एफ एल ए इंटू वाई। अब क्वेश्चन में गिवेन है, क्वेश्चन में ये लेंथ को कैपिटल एल, ये एल है, ये आपका फोर्स है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ? इसको मिटाएं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ? समझ गए कैसे आप? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। और इसको सॉल्व करके यहां से ले, या क्वेश्चन में गिवन है फोर्स आपका हो गया 1.5 * 10^4 न्यूटन, डेल्टा एल हो गया, निकालना है एल कितना है 1 मीटर है, और एरिया कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको बदलना है, ये क्या 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलो, क्या होगा? 10^-4 मीटर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? देखो 1 सेंटी कैसे इसको किए कन्वर्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं? 1 × 10^-2 मीटर का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 10^-4 मीटर स्क्वायर। फोर्स कितना? 1.5 × 10^4 एल वन, एरिया कितना हो गया 10^-4। यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 × 10^11। यहां से क्या हो गया? अब इसको सॉल्व करो, यहां से सॉरी यहां लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? 1.5 ना, 1.5 इंटू 10^12 एरिया दिया। तो एरिया कितना दिया हुआ? फोर्स है 1.5 × 10^4, एल कितना 1 मीटर, एरिया कितना 1.5 × 10^-4, और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ? यंग्स मॉडुलस 2 × 10^-11। यंग्स मॉडुलस की बात है, 2 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां से क्या होगा? 1.5 कैंसिल हो गया, डेल्टा एल क्या होगा? 10^4 × 10^4 इंटू, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस होगा, इंटू 10^-11/2। डेल्टा एल क्या होगा? 8 × 10^8 × 10^-11/2, 10^-3/2, समझ गए? तो 8 − 11 क्या होगा? -3 ना, बाय 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, फिर मिटा लेंथ, इस पार्ट को मिटा दें, यहां क्या हुआ? डेल्टा एल हो गया 1/2, अगर यहां 10^-3/2 मीटर। डेल्टा एल क्या होगा? 1/2 × 10^-3 मीटर। अब डेल्टा एल को क्या लिखेंगे? 1.2 को 0.5 × 10^-3 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल को 0.5 mm।
क्योंकि वन जेड बार माइनस थ्री मीटर को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, वन मिलीमीटर हम जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 0.5। तो आपको ये दो चीज याद रखना है, समझ गए? आपको क्या याद रखना है कि वन मिलीमीटर बराबर होता है, वन मीटर बराबर टेन टू पावर थ्री मिलीमीटर, इसीलिए वन मिलीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन टू पावर माइनस वन बाय टेन टू पावर थ्री मीटर बराबर टेन टू पावर माइनस थ्री मिलीमीटर। एक ये तो, और दूसरा वन सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर। शायद यही आपको दिक्कत हुआ हो, बाकी तो फॉर्मूला है एफ एल बाय ए, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, और एक फॉर्मूला आपको याद हो, वाया फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो यहां से आपको एफ बाय ए ऊपर एल बाय डेल्टा एल कर देंगे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो ये होगा, हमने ये कर दिया। तो यहां से एफ एल बाय ए डेल्टा एल, फिर डेल्टा एल निकाला, पुट कर दिया वैल्यू, एफ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो डेल्टा एल निकालना। और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।